to see. You know, it's a romantic song. It's a song of love, of companionship, of a relationship that's developing over time, that's growing with time. You know, so it was amazing, the shoot. It's always nice to shoot scenes like this. You know, it's a nice environment created by Bijoy. And of course, wonderfully written by Vinod himself. Yes, written by me. देखिए मैंने ऐसा हुआ कि शांतनु आया घर में और हम लोग कंपोज कर रहे थे मेरी स्टडी में तो वो गाना बनाता गया और मैं लिखता गया मैंने ये कभी नहीं सोचा कि यही फाइनल लिरिक्स रहेंगे मैं तो ऐसे भर रहा था और ये गाने में अगर आप देखें तो बहुत अनयूजुअल है कि पहला अंतरा और सेम दूसरा अंतरा जो लड़का और लड़की गाते हैं सेम है क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये फाइनल गाना हो जाएगा लेकिन ये इतना अच्छा बन गया कि बस फाइनल हो गया ये एक्चुअली इनके पिताजी के साथ भी हुआ था इफ़ यू रिमेम्बर एक गाना बना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो धुन थी हाँ दैट्स राइट वो लक्ष्मीकांत जी ने धुन सुनाई थी जावेद साहब को कि ऐसी धुन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक तो जावेद साहब ने कहा यार ये इतना अच्छा है कि यही बनेगा तो ये हमारा 1 2 3 है आई डोंट वांट टू टेल यू टू मच अबाउट इट बिकॉज इट्स अ मिस्ट्री थ्रिलर अल्टीमेटली अबाउट द लुक अभी द लुक आई हैव टू पुट यू थ्रू टू माय ग्रैंडमदर एंड माय मदर अच्छा सादगी जब भी मैं विनोद जी के साथ में काम करता हूँ और पिछले कई साल से करता आ रहा हूँ तो इनकी ब्रीफ मुझे इनके कहीं बिना भी मिल सकती है क्योंकि इनकी इनकी जो आत्मा है इनके सोल से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ इनकी इनकी थॉट प्रोसेस इनका पैशन चाहे कोई भी फिल्म हो जहाँ या सिर्फ प्रोड्यूसर भी हों डायरेक्टर भी हों या फिर इसमें लिरिक्स राइटर भी हैं साथ में सो इनसे मेरा एक ताल्लुक इतना लंबा और आर्टिस्टिकली बहुत अच्छा रहा है इतना सुंदर उन्होंने ये गाना लिखा है और कंपोज किया है शांतनु दा ने वी एंजॉयड सिंगिंग दिस वन देयर इज सो मच ऑफ सोल एंड मेलोडी एंड रोमांस और उतना ही सुंदर पिक्चराइज किया है सो वी एब्सोल्युटली एंजॉयड